नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ आपके साथ शिवानी सक्सेना। छठ व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है। कार्तिकी छठ पूजा की ही तरह चैत्र माह में पड़ने वाले छठ का बहुत महत्व है। मुख्य रूप से सूर्यदेव की उपासना का ये महापर्व बिहार सहित पूर्वांचल के कई हिस्सों और नेपाल के कई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी माई सूर्य देवता की बहन है, इसलिए इन दिनों में सूर्य की उपासना से छठी मैया खुश होती हैं और साधक के घर परिवार में सुख और शांति प्रदान करती हैं। छठ व्रत साल में चैत्र शुक्ल षष्ठी की कार्तिक शुक्ल षष्ठी की 2 तिथियों को किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्तिक का छठ व्रत है, जो दीपावली के बाद आता है। दोनों ही छठ व्रत 4 दिनों के होते हैं और इन्हें बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत में शुद्धता का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और घर भी धन धान्य से भरा होता है। इस बार यानी कि साल 2020 में चैती छठ का आरंभ 28 मार्च शनिवार को नहाए खाए के साथ हो रहा है। वहीं छठ व्रत के बाद पारण का दिन 31 मार्च का होगा। वहीं कार्तिक छठ व्रत की शुरुआत 18 नवंबर को नहाए खाए के साथ होगी। आपको बता दें कि 28 मार्च यानी शनिवार के दिन नहाए खाए है, 29 मार्च यानी रविवार को खरना, 30 मार्च सोमवार को पहला अर्ध और 31 मार्च मंगलवार को दूसरा अर्ध। छठ व्रत की पूजा 4 दिनों तक होती है। पहला दिन नहाए खाए के साथ शुरू होता है। यह कार्तिक या चैत्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन होता है। इस दिन व्रती स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करते हैं और भोजन लेते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है। इसे पूरे दिन व्रत किया जाता है और शाम को व्रती भोजन ग्रहण करते हैं। शाम को चावल और गुड़ से खीर बनाकर खाया जाता है। भोजन में नमक या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में खाई और बांटी जाती है। इसके बाद षष्ठी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें ठेकुआ विशेष होता है। प्रसाद और फल एक साफ और नए टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा कर सभी व्रती सूर्य को अर्घ देने के लिए तालाब, नदी या घाट आदि पर जाते हैं। स्नान कर डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और ऐसे ही अगले दिन सुबह उठते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इस दौरान शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही व्रत का भी समापन होता है और साधक पारण करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।